हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल एंड माय गार्डन। मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गार्डन में। आप लोग कैसे हैं? आज इवनिंग हो चुका है और लास्ट ब्लॉग में जैसे मैं दिखाई थी कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ बोल के और ख़त्म की थी, वहाँ पे थोड़ा सा देरी को गए तो वहाँ का कुछ प्रोग्राम मैं शूट नहीं कर पाई। उनका मतलब शादी का ये जो माटी पक्का बोलते हैं ना, वही वाला था। तो नेक्स्ट जब शादी में जाऊंगी तो मैं सारा शूट दिखाऊंगी आपको जितना हो पाएगा। और ये मैं छत के ऊपर थोड़ा आई थी अभी अपने गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी के साथ, तो थोड़ा सा ऊपर बैठी थी, एक दो छोटा मोटा शॉर्ट्स शूट कर रही थी। कैसा लगेगा नहीं पता, पर ऐसे ही मूड आया, मैं बोली चलो ऊपर करते हैं। तो मैं आ गई ऊपर और देखिए आप लोग, थोड़ा सा हालत तो खराब है प्लांट्स का, थोड़ा सा इस बार ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आए, देखते हैं क्या होता है आगे। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है जब आप आके कोई ऐसे जगह पे बैठो जहाँ पे आपको सुकून मिले। मतलब देखिए, घर में तो बहुत सारा रूम रहता है, स्टडी रूम रहता है, लिविंग रूम रहता है, किचन रहता है, छत रहता है, गार्डन रहता है, तो जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आप जाके वहाँ पे 5-10 मिनट बैठ पाओ जहाँ पे आपको अच्छा लगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मैं इधर से थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको क्योंकि इधर बहुत सारा फ्लावर्स है। अभी तक हम लोग का कपड़ा सूख रहा है, नहीं लिए हैं, अभी लेके जाऊंगी। वही बात, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आके आप जब यहाँ पे बैठोगे ग्रीन नेट में तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आप देखोगे ग्रीन ग्रीन, भगवान जी को, जगन्नाथ जी को, सबको बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग आए हैं ऊपर घर में, मेरे छत को देख के गए हैं, उनको बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोग भी बनाए होंगे अपने छत के ऊपर, आप स्टार्ट एक कॉर्नर से करो, आपका भी ज़रूर ऐसा बनेगा। और रहा ये ग्रीन मैट, ये तो मिल ही जाएगा आपको, कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा। और इधर चलती हूँ, थोड़ा सा बुद्ध जी को दिखाती हूँ, बुद्ध भगवान को। ये देखिए यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा लाइट कम हो गया है, अंधेरा होने लगा है ना, इसीलिए यहाँ से भी बहुत अच्छा आता है, ये वाला है ना, बहुत अच्छा लगता है। इधर भी फ्लावर्स है, यहाँ पे टायर है बैठने के लिए, अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आसमान का व्यू भी बहुत अच्छा है, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा ये कैमरे में, मैं बैक कैमरा होगा तो करके दिखाती हूँ आपको। पी लेती हूँ, ठंडा हो गया है। आप लोग ब्लैक कॉफी पीते हो? बहुत अच्छा रहता है, पी लेना। और मेरा लुक थोड़ा देख लीजिए, आज मैं उतना नहीं दिखाई हूँ। कैसा लग रहा है? कैसा लग रही हूँ, कैसा लग रहा है नहीं, जरूर बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर क्या क्या होगा क्या नहीं दिखाती हूँ आपको। मेरा गार्डन अच्छा लगा, थैंक यू। तो बहुत लोग आके घूम के गए हैं, फोटो क्लिक करके गए हैं, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, इसलिए दिल से थैंक यू वेरी मच। और एक पेंटिंग दिखाती हूँ, एक मिनट। कैसा लगा? इसको भी बहुत बार दिखाई है ना, ये रोज का हालत देखो सूख गया है। एक चीज दिखाऊं आपको, चलिए यहां से देखिए,
देखा मैंने ऊपर से चक्कर घुमा दिया। चलिए अच्छे से शूट करती हूँ और मैं दिखाऊंगी आपको। देख लिया तो ये हमारे छत से जो एरिया दिखता है ना वो सब था, वैसे ही मैं थोड़ा सा दिखा दिया आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं नीचे और फिर नेक्स्ट क्या क्या करूंगी मैं सब दिखाऊंगी। लेट्स गो फ्रेंड्स। अभी आ रहा है पानी तो मटर अभी चल रहा है और कल मैं दिखाई थी आप लोगों को गार्डन और आज इवनिंग हो चुका है। आज मैं आज क्या है मंडे, तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग मतलब स्टिचिंग दी हूँ वहाँ से होगा तो मैं लेके आऊँगी। और 26 के लिए एक वाइट कलर का कुर्ती मुझे स्टिच करना था, अगर होगा तो मैं चल के वहाँ पे दिखाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ कहाँ पे, मैचिंग सेंटर जो यहाँ पे सुधारीपड़ा में है छक में, बहुत बार दिखाई हूँ। तो चलिए आज मैं दिखाऊँगी पूरा वहाँ पर सामने से रास्ता कहाँ पे क्या है, वो कहाँ पे है वो शॉप और कुछ मटेरियल्स वहाँ के अंदर के। तो चलिए मेरे साथ, कुछ नया टाइप का क्या क्या आया है क्या क्या नहीं फिर से और एक बार दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, मैं और स्वाति जाएंगे। तो अभी वो ऊपर गई है दीदी को देने के लिए, शायद पानी मांग रही थी दीदी, गर्म पानी या कुछ, चाय तो नहीं पीती है, कुछ मांग रही थी। तो वो दे के आ जाएगी और हम लोग जाएंगे। शाम हो चुका है, मंदिर में घंट शंख बज रहा है और हम लोग के यहाँ पे पीएचडी पानी आता है ना, तो वही मटर सौ सा कर रहा है चल रहा है थोड़ा। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आके पहुँच गई हूँ भाभी के शॉप में जहाँ पे मैं स्टिचिंग करवाती हूँ। और ये है सुनारीपड़ा का छक, जगन्नाथ मंदिर दिख रहा है आपको जिसको भागवत मंदिर बोलते हैं, अमित ज्वेलर्स, ठीक उसी के पास में ही है मैचिंग प्लाजा। तो देखिए उनके साइड में और एक शॉप भी है जहाँ पे दूसरा सामान मिलता है और वो सीधा रोड आता है बीएस हाई स्कूल छक से सुनारीपड़ा के अंदर, तो बीच में ये वाला है। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ का कुछ कपड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ मटेरियल आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे दुपट्टा सब है, तो ये एक ब्लैक कलर का पूरा फुल्ली वेव, मतलब ये पूरा वेव होके है, ये 500 है ये दुपट्टा। इसका मैं रानी पिंक ली हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है, जिस दिन पहनूंगी दिखाऊंगी आपको। देखिए ब्लैक येलो बहुत डिमांड है और ये वाला भाभी के पास थर्ड टाइम रिस्टॉक हुआ है, बहुत जन ने लिया है। और ये वाला देखिए सिंपल प्लेन कपड़ा सब, जिससे आप कुछ भी बना सकते हो, साड़ी बना सकते हो या फिर ड्रेस बना सकते हो। और ये देखिए ये सब अलग अलग फैब्रिक का कपड़ा है। तो ये कुछ लेस है जो हम साड़ी में यूज़ करते हैं या फिर किसी में भी यूज़ करते हैं। तो देखिए ड्रेस साड़ी आप किसी में यूज़ कर सकते हो, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाभी के पास आओगे आप डिफरेंट कपड़ा लोगे और उसको आप जॉइंट करके या फिर कुछ डिज़ाइनर बना सकते हो, जिससे भाभी बहुत अच्छे से आपको आइडिया देगी कि आपको सूट करेगा नहीं करेगा, क्या होगा कैसे होगा वो बताती है। फॉल्स ब्लाउज पीसेस और ये वाला देखिए ये सब दुपट्टा है, दुपट्टा का वैरायटी भाभी के पास इतना है, शायद ही सुंदरगढ़ में किसी के पास होगा, आपको मिल ही जाएगा। और ये भी नेटेड कपड़ा सब है और ये है वाइट कलर का कपड़ा, देखिए जो ब्लू था ये उसी का वाइट है, बहुत अच्छा लग रहा था देखिए नेटेड में। और उसके टेबल के नीचे भी बहुत सारा लेसेस है। और ये सब कपड़ा देखिए चिकन वर्क का कपड़ा, ये सब अलग अलग टाइप का सब कपड़ा है, आप देख लो आपको आइडिया हो जाएगा, आप इससे ब्लाउज़ बना सकते हो, कुर्ती बना सकते हो, लहंगा बना सकते हो। भाभी बहुत प्यारा लहंगा बनाती है, तब्बू भाभी को बहुत जन जानते हैं और बहुत जन नहीं भी जानते। जिनको नहीं पता मेरे ये ब्लॉग के ज़रिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार आके ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो आप और भी बनाइए। और ये सब वेलवेट कपड़ा है, आजकल तो वेलवेट का ट्रेंड है, चाहे हो वो कुर्ती हो गाउन हो या फिर दुपट्टा हो वेलवेट में, और बहुत वैरायटी है नेटेड, मतलब आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा और प्राइस सब रिजनेबल है, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा प्राइस, ज़रूर आके एक बार ट्राई कीजिए। बहुत जन मुझे कमेंट करते हैं कि ये वाला शॉप कहाँ पे है, आप गूगल मैप
में गूगल मैप पे सर्च कर लेना मैचिंग सेंटर सोनारीपड़ा, तो आपको मिल जाएगा उनका रास्ता, वो अपलोड किए हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, मुझे नहीं पता था एक्चुअली, कल मैं वहाँ पे थी ना, तो भाभी बताई कि गूगल मैप में सर्च करने से आ जाएगा, बता देना। ये देखिए, ये भी कपड़ा कितना प्यारा लग रहा है, ब्लैक में, ग्रे में, ये मरून वाला भी कितना प्यारा लग रहा है। बहुत जन यहाँ से क्या करते हैं, आधा आधा कपड़ा लेके अलग अलग अपने हिसाब से आप साड़ी बना सकते हो, जो कि कोई नहीं पहना होगा, अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये देखिए, येलो वाला भी बहुत हल्दी फंक्शंस में आप यूज़ कर सकते हो। और ये नीचे सब देखिए, कितना वैरायटी का कपड़ा, बाप रे, मुझे तो मैं तो मतलब जब भी जाती हूँ एक ना एक कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, और रिजनेबल प्राइस में, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा। हाँ, आप लहंगा बनाओगे, गाउन बनाओगे, आप जितना कपड़ा यूज़ करोगे, आप जितना उसके हिसाब से आपका बनेगा। और ये भैया भाभी अभी आएंगे, भाभी को मैं बुलाई थी एक्चुअली, मैं पहले शूट कर ले रही थी। देखिए, ये वाला भी कपड़ा बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो जो बहुत सारा कपड़ा नया आया है और बहुत पुराना। और अंदर देखिए, यहाँ पे प्लेन कपड़ा अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग फैब्रिक का बहुत सारा है। तो फ्रेंड्स, आइए भाभी से मिलवाती हूँ। ये भाभी आ गए, और ये भैया भाभी दोनों देखिए, स्वाति बैठी है, मैं वो भी अपने लिए लेने के लिए गई थी, वो लोग आपको हाय बोल रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ही रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करोगे ना साइट में, बेल आइकन का जो घंटी है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बस, और क्या बोलना है, आप लोग ना जाके मेरा पुराना वीडियो देखिए, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा देखने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो फिर रखती हूँ, बाय।